हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू कंटिन्यू यूनिट 5, व्हाट्स द एविडेंस। इन माय लास्ट पीरियड आई कंप्लीटेड एक्टिविटी 3, सो वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 4। सो लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 इज कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करना है। दीज सेंटेंसेस सा सिचुएशन इन द पास्ट। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट की सिचुएशन बताते हैं। रीड देम केयरफुली एंड राइट अ कॉरस्पॉन्डिंग सेंटेंस अबाउट द सेम सिचुएशन इन द प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ो और उसकी सेम कंडीशन प्रेजेंट में क्या हो सकती है वो आपको लिखनी है। क्या बताना है आपको? प्रेजेंट की कंडीशन क्या होती है वही आपको बताना है। यहाँ पे देयर वॉज अ टाइम वेन कार पार्किंग वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जो सेंटेंस है वो सिचुएशन कौन सी है? पास्ट की। पहला सेंटेंस है देयर वॉज अ टाइम There was a time when car parking was no problem at all। एक समय था जब कार पार्किंग का कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। तो इसमें प्रेजेंट में बनाए देखो, नाउ व्हाट इज आएगा, कहेगा नाउ व्हाट इज, मतलब अभी के टाइम में कार पार्किंग क्या हो गया है? हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है आप देख सकते हो कि पहला वाला सेंटेंस में हमने यहाँ टू बी फॉर्म वॉज है, तो ये क्या बताता है? पास्ट टेंस सूचित करता है कि ये पास्ट का है। लेकिन हमने यहाँ पे उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट किया तो नाउ अडेज, मतलब अभी के टाइम में कार पार्किंग हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम। कार पार्किंग अभी क्या हो गया है? बड़ा सा प्रॉब्लम, समस्या हो गई है। तो यहाँ पे देखो हैज बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है और ये जबकि पास्ट की सिचुएशन है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, देयर वॉज नो वे, देयर वॉज नो वे टू नो विच रोड वॉज बेस्ट बैक देन। देयर वॉज नो वे टू नो विच रोड वॉज बेस्ट बैक देन, विच रोड वॉज बैक, विच रोड वॉज बेस्ट बैक देन, बेस्ट देर वॉज नो वे, कोई ऐसा रास्ता नहीं था ये जानने के लिए कि कौन सा रास्ता, कौन सा रोड सबसे अच्छा बैक, मतलब बैक देन कौन सा रास्ता ऐसा है कि जो वापस आ सकता है। तो अभी क्या आएगा? प्रेजेंट की सिचुएशन लेके, तो प्रेजेंट की सिचुएशन में हम बनाए गए। तो अभी के दिनों में बहुत सारे ऐसे रास्ते हम जानते हैं कि कौन सा रास्ता बैक होता है अभी के दिनों में। नाउ अडेज देयर आर, क्या है? Nowadays there are many ways, अभी के दिनों में बहुत सारे
रास्ते ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जाने के लिए, which road यहाँ पे पास्ट है तो प्रेजेंट करेंगे तो इज बेस्ट बैक। देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे टू बी फॉर्म वॉज है तो यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया तो इज किया, यहाँ पे देयर वॉज था तो यहाँ पे देयर आर किया तो ये प्रेजेंट का बन। तो नाउ व्हाट इज देयर आर मैनी वेज, आर लिया मतलब प्रेजेंट का टू बी फॉर्म है, टू नो विच रोड इज बेस्ट वे तो यहाँ पे भी प्रेजेंट का टू बी फॉर्म इज वॉज की जगह इज लिया तो ये प्रेजेंट का सिचुएशन हो गया। अब थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, पुलिसमैन वॉर लॉन्ग वूल कोट्स, पुलिसमैन वॉर लॉन्ग वूल कोट्स एंड टॉल हैट्स, एंड टॉल हैट्स इन दोज डेज, इन दोज मतलब पहले के समय में पुलिसमैन लंबा कोट पहनते थे वुलन का एंड ऊंचे ऊंचे टॉल हैट्स पहनते थे उस समय में, तो अभी के समय में क्या पहनते हैं तो इसके सामने आएगा पुलिसमैन इन दीज डेज, अभी के समय में पुलिसमैन इन दिस डेज क्या पहनते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट का फॉर्म आएगा टू बी वियर, क्या पहनते हैं खाकी, क्या पहनते हैं खाकी, और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या पहनती है वाइट पैंट। क्या पहनते हैं खाकी या तो वाइट पैंट्स पहनते हैं एंड शर्ट। एंड शर्ट्स विथ अ ग्रे कॉप्स, विथ अ ग्रे कॉप्स सॉरी ग्रे क्या होती है उसकी कैप होती है सॉरी विथ अ ग्रे कैप्स ऑन देयर हेड्स, यहाँ पे देखो पुलिसमैन वॉर लॉन्ग वूल कोट्स, पहले के समय में पुलिसमैन क्या पहनते थे लंबे वुलन के कोट पहनते थे एंड टॉल हेड्स बड़ा बड़ा टोपा पहनते थे उस समय में, तो अभी के समय में मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन लेनी है तो पुलिसमैन इन दीज डेज मतलब इसी समय में अभी के दिनों में, वियर ये देखो वॉर ए पास्ट सिंपल पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वी वन, तो पुलिसमैन इन दीज डेज वियर खाकी और वाइट खाकी या तो वाइट पैंट्स पहनते हैं और शर्ट विथ अ ग्रे कैप्स और ऊपर कैप कौन से रखते हैं ग्रे कलर की ऑन देयर हेड्स मतलब उनके सर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अर्लियर टाइम पहले के समय में पीपल बिलीव्ड इन जायंट्स एंड फेरीज, इन अर्लियर टाइम्स पहले के समय में पीपल बिलीव्ड लोग मानते थे इन जायंट्स एंड फेरीज, इन
जायंट्स, जायंट्स मतलब राक्षस, एंड फेरीज, पीपल बिलीव इन जायंट्स एंड फेरीज, मतलब लोग राक्षस और परियों की बातों में मानते थे। कब? अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में पीपल बिलीव्ड इन जायंट्स एंड फेरीज। फेरी मतलब क्या होता है? परिया। तो पहले के अर्लियर टाइम में, पहले के समय में पीपल बिलीव्ड इन जायंट्स एंड फेरी, मतलब पहले के टाइम में लोग परी और ये राक्षस की बातों में बिलीव करते थे, मानते थे। तो क्या है अभी के दिनों में, मतलब दिस डेज, अभी के दिनों में पीपल क्या करते हैं? बहुत मुश्किल से अभी के दिनों में पीपल बहुत मुश्किल से मानते हैं, हार्डली बिलीव। क्या हम मानते हैं अभी? हार्डली उसमें मानते हैं। इन जायंट्स एंड फेरीज दीज डेज, अभी के दिनों में पीपल हार्डली बिलीव इन जायंट्स एंड फेरीज, अभी के दिनों में बहुत मुश्किल से लोग जायंट्स राक्षस की और फेरी की बातों में अभी मुश्किल से मानते हैं। पहले मानते थे, अभी बहुत कम मानते हैं। तो फ्रेंड्स, योर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फॉर, यहाँ पे पास्ट की जो सिचुएशन थी उनको प्रेजेंट में करके मैंने बताया आपको। जो वर्ब चेंज करना था, वो जो वर्ब कैसे चेंज करना वो आपको बताया, और वर्ब चेंज करके और सिचुएशन चेंज करके हमने प्रेजेंट में बनाया, पास्ट का प्रेजेंट सिचुएशन बना दिया। अब नाउ एक्टिविटी फाइव, एक्टिविटी फाइव देखते हैं, एक्टिविटी फाइव में क्या है। तो एक्टिविटी फाइव में देखो दोस्तों, लुक एट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोड नॉट टेकन। आप देखो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रोड नॉट टेकन, मतलब जो रोड नॉट टेकन जो पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसका जो स्पष्टीकरण है वो आपने तीनों तीन देखा, इंटरप्रिटेशन वन, इंटरप्रिटेशन टू एंड इंटरप्रिटेशन थ्री, तीनों तीन मैंने आपको समझाया था। दे ईच हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट वॉट द पोएम मीन्स एंड दे हैव सॉरी दे ईच गिव एविडेंस फॉर देयर आइडिया। वो तीनों तीन इंटरप्रिटेशन में अलग अलग आइडिया बताया है, और ये जो पोएम है उसका मतलब भी उसके समझाया है, और उन्होंने सभी इंटरप्रिटेशन में उनका खुद का आइडिया और एविडेंस भी दिया है, पुरावा भी दिया है। तो इंटरप्रिटेशन वन गिव्स एविडेंस फ्रॉम द पोएम इट्सेल्फ, मतलब इंटरप्रिटेशन वन है वो पोएम खुद एक एविडेंस देती है। राइटर ऑफ इंटरप्रिटेशन वन, द राइटर ऑफ इंटरप्रिटेशन वन, मतलब पहला जो इंटरप्रिटेशन है, पहला जो स्पष्टीकरण है, उसका जो राइटर है वो डिटेल देता है किसमें से, पोएम में से, और वो अपना आइडिया को समझाता है। When the writer looks carefully at the details of something in order to understand the whole, we call this analysis. देखो, when the writer looks carefully, जब writer carefully ध्यान से देखता है, किसमें? Details में। कोई भी चीज़ की डिटेल में राइटर उसको केयरफुली देखता है, किस लिए? वो पूरा डिटेल समझने के लिए, पूरा सोर्स को समझने के लिए वो केयरफुली उसको देखता है, तो हम उसको कहते हैं एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। तो इंटरप्रिटेशन वन यूजेस एनालिसिस ऑफ अ पोएम एज एविडेंस फॉर द इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन वन में क्या यूज़ किया है? पोएम को एनालिस करने का यूज़ किया है, और उसके एविडेंस, एविडेंस के लिए उसको एनालिस किया है। और इंटरप्रिटेशन टू एंड थ्री बोथ यूज एनालिसिस ऑफ पोएम। इंटरप्रिटेशन जो सेकंड है और थर्ड है, ये दोनों में पोएम को एनालिस करने के लिए उपयोग किया है।
मतलब उसका एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया, वर्गीकृत करना। बट दे ऑल्सो यूज अदर सोर्सेज फॉर एविडेंस, लेकिन वो दूसरे सोर्स के लिए एविडेंस का भी उपयोग किया है। बट दे यू ऑल्सो यूज, लेकिन उन्होंने दूसरा सोर्स एविडेंस के लिए भी यूज़ किया है। तो व्हाट आर द अदर सोर्सेज दे यूज, तो उन्होंने जो दूसरा सोर्स यूज़ किया है वो क्या है? तो इंटरप्रिटेशन वन इज एडेप्टेड फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, उन्होंने इंटरप्रिटेशन वन वो 9th स्टैंडर्ड से लिया है, CBSE की टेक्स्ट बुक में से। द इंटरप्रेटर मस्ट हैव टेकन अप अदर सोर्सेज फॉर एनालिसिस, और दूसरा सोर्स उन्हें एनालिसिस के लिए लिया है, और वो 9th स्टैंडर्ड की CBSE बुक से। इंटरप्रिटेशन टू इज एडेप्टेड फ्रॉम विकीपीडिया, और विकीपीडिया से मतलब शब्दकोश में से इंटरप्रिटेशन टू लिया है। इंटरप्रेटर कोट्स अ लिटररी क्रिटिक नेम एलिनर सिकल्स टू जस्टिफाई हिज इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रेटर जो है स्पष्टीकरण मतलब ये स्पष्टता करने वाला, उन्होंने एलिनर सिकल्स वो क्रिटिक है, कोट्स लिटररी क्रिटिक नेम एलिनर सिकल्स, उसका जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या किया है, एडेप्ट किया है विकिपीडिया में से। और इंटरप्रिटेशन थर्ड नंबर का है जो 3, इज एडिटेड टेक्स्ट फ्रॉम जॉर्ज मॉन्टेयर बुक्स के उसको एडिट किया है। द रूट सोर्स इज सम जॉटिंग बाय फ्रॉस्ट बायोग्राफर, फ्रॉस्ट फ्रेंडशिप विथ एडवर्ड थॉमस एंड देयर countryside walks, the poem is written in the very light mood and is nothing but a gentle jest in a teasing mood. ये जो interpretation third लिया है वो जो Robert Frost उसका जो main जो source है Josting biographer जो Robert Frost है उनके द्वारा लिया गया है, और उसका जो फ्रेंड है एडवर्ड थॉमस जो अपने शहर में अपने पास रहता है तो उनसे लिया गया है। द पोएम इज रिटन इन अ वेरी लाइट मूड, और ये पोएम है बहुत वेरी लाइट मूड में लिखा गया है, नथिंग बट अ जेंटल जेस्ट इन अ टीजिंग मूड, मतलब कोई चिढ़ाने के लिए टीजिंग मूड में ये पोएम लिखी गई है। तो ये जो है उसके सोर्स जो बताए हैं, दूसरे जो सोर्स इसमें यूज़ किए हैं वो हमने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, हियर एक्टिविटी 5 ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड एक्टिविटी 6 एंड 7। सो एक्टिविटी 6 इज ओनली एनालिसिस, खाली वो तो क्या है इंटरप्रिटेशन जो आपको दिया है वो आपको शेयर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विथ क्लासमेट, आपको इंटरप्रिटेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है वो क्या करना है क्लासमेट के साथ शेयर करना है। लिसन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्लासमेट, फिल आउट द टेबल बेस ऑन व्हाट यू हियर फ्रॉम योर क्लासमेट, मतलब ये एक्टिविटी आपको खुद को करनी है। अब एक्टिविटी 7, वी विल डिस्कस एक्टिविटी 7 इन अवर नेक्स्ट पीरियड एंड इट्स अ पोएम, आपको ये पोएम है मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। जय स्वामीनारायण।